खरगोन जिले की चिरिया वन रेंज में नानकोड़ी और चैनपुर गांव के बीच आक्रोशित ग्रामीणों ने एक तेंदुए को पीट पीट कर मारने की बात सामने आ रही है। दरअसल एक ग्रामीण पर तेंदुए ने हमला करने के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने तेंदुए पर पत्थर और डंडों से हमला कर दिया था। वन विभाग के DFO प्रशांत कुमार सिंह ने भी तेंदुए को मारने की पुष्टि की है। करीब 3 से 4 साल के तेंदुए ने अचानक जंगल में ग्रामीण उमेश डावर पर हमला कर दिया था। गुस्साए और आक्रोशित ग्रामीणों ने पत्थर लाठी डंडों से तेंदुए पर हमला कर हत्या कर दी। झिरनिया थाना क्षेत्र के नान कोड़ी और चैनपुर के बीच जंगल की घटना बताई जा रही है। मौके पर वन विभाग की टीम पहुंच गई है। ग्रामीणों की भारी भीड़ जमा है। वन विभाग के DFO प्रशांत कुमार सिंह ने मीडिया से तेंदुए की हत्या की पुष्टि की है। DFO का कहना है कि प्रारंभिक जांच में ग्रामीणों के हमले की पुष्टि हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट खरगोन। तुम्हारा उमेश डावर कहाँ के रहने वाले हो? ये चैनपुर लगता है हमारा। क्या हुआ था आपके साथ? उधर गया था नदी दरा में सवेरे सवेरे, उधर हुआ है। क्या हमला हुआ आपके? हाँ हमला हुआ। उसके बाद क्या हुआ? फिर बेहोश हो गया। फिर उसके बाद आपको कहाँ ले गए? फिर मेरे को दवा खाने में लगे, पानी के छींटे मारे जरा उधर पे, फिर इलाज के बाद डॉक्टर ने क्या बोला? डॉक्टर ने बोला कि घर कौन चले जाओ। और इंजेक्शन इलाज किया? दो इंजेक्शन दिए और बोले घर कौन चले। उन्होंने वहीं से गाड़ी से भेजना था ना? गाड़ी से भेजना तो बताते, जब हम गाड़ी से जाते वो बोले कि चले जाओ घर कौन, तब आगे फिर आपका इलाज करो ऐसा बोल दिया उन्होंने। उन्होंने कोई वो नहीं तवज्जो नहीं दी कि हम हमारी गाड़ी से भेजते हैं, ऐसा कुछ नहीं बोला। अभी आपने किससे बात करी थी? चैनपुर के पास नानकोड़ी गांव है, वहां एक तेंदुआ मृत मिला था। सुबह सूचना प्राप्त हुई थी तो जैसा हमें अभी जानकारी मिली उसके अनुसार शायद किसी ग्रामीण को घायल किया था, उसके बाद किसी ने उसको मारा है तेंदुए को। अभी तेंदुए के मुंह पे थोड़ा निशान दिख रहे हैं चोट के, तो उससे पता चलता है किसी ने मारा ही है इसको। कहां मिला सर? ये चैनपुर के पास ही है। सर ये वही तो नहीं है जो पहले मतलब मिला था? नहीं पहले तो टाइगर का था, तेंदुआ नहीं था, ये तो अभी मिला है। अब इसमें क्या कार्रवाई होगी सर? इसमें अब जांच होगी, जांच में जैसा आएगा किसने मारा है कुछ पता चलेगा तो उस पर केस दर्ज किया जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।